पंजाब का चीफ सेक्रेटरी तब्दील नहीं होगा, विफाक ने पंजाब से माजरत कर ली। वजीर आला परवेज इलाही ने पहले चीफ सेक्रेटरी को काम जारी रखने का कहा, फिर नए चीफ सेक्रेटरी के लिए तीन नाम भिजवा दिए। अहमद नवाज सुखेरा, अब्दुल्ला खान सुंबल और बाबर हयात तारण भी किसी एक का चुनाव का लिखा। चीफ सेक्रेटरी ने मोहम्मद खान भट्टी के कहने पर तबादलों से मना कर दिया था। वजीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी को हटाने के लिए वजीर हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का पंजाब हुकूमत पर मनपसंद अफराद की तैनातियों के लिए दबाव। अहमद अजीज तारर को सेक्रेटरी हाउसिंग लगवाने के लिए असरार। फयाज मोहल को DGLTA लगवाना चाहते हैं। चीफ सेक्रेटरी की तब्दीली के लिए शदीद दबाव। जराए के मुताबिक चेयरमैन PTI ने चौधरी परवेज इलाही से टेलीफोन पर गुस्से में बात की। फयाज मोहल साबिक वजीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ताहिर खुर्शीद के मनपसंद हैं। गुजरात पर नवाजशात, वजीर आला का आबाई जिला लशपश होगा। वेस्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी बनेगी PHA अथॉरिटी की तश्कील का भी फैसला। पंजाब काबीना के इजलास में हतमी मंजूरी होगी। गुजरात में नई भर्तियों की तैयारी। वजीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भर्ती की भी बादशाहत। मंडी बहाउद्दीन के लिए मजीद 10 अरब रुपये का पैकेज मांग लिया। हुकूमत ने बजट में मंडी बहाउद्दीन के लिए 3 अरब 29 करोड़ रुपये रखे थे। DC लाहौर मोहम्मद अली ने चार्ज संभाल लिया। कमिश्नर लाहौर का इजाफी चार्ज भी मिल गया। मोहम्मद अली नए कमिश्नर लाहौर की तैनाती तक दोनों ओहदे संभालेंगे। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान की इस्लामाबाद तैनाती के बाद से कमिश्नर लाहौर का ओहदा खाली है। मोहम्मद अली जिंदा दलान की खिदमत के लिए पुरअज़्म। IG जेल का तबादला नहीं होगा। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम ने दो टोक बता दिया। कहा मिर्जा शाहिद बेग आइंदा माह रिटायर हो रहे हैं। नए IG जेल के लिए पैनल जल्द सामने आएगा। ऑरेंज ट्रेन का किराया स्टेशन टू स्टेशन होगा। कम से कम किराया 20 रुपए, ज्यादा से ज्यादा 40 रुपए वसूल किए जाएंगे। नए किरायानामे की समरी मंजूरी के लिए वजीर आला पंजाब को अरसाल कर दी। सैलाब का खतरा टल गया। दरियाई रावी मामूल के मुताबिक बहने लगा। शाहदरा के मुकाम पर 21,000 क्यूसिक पानी रह गया। पानी की सतह बतदरीज मजीद कम हो जाएगी। सिविल डिफेंस का अमला किसी भी हंगामी सूरतेहाल से निपटने के लिए चौकस है। लेक सिटी और स्टेट लाइफ में मुआहदा गोल्फ क्लब में तकरीब हुई। CEO लेक सिटी गौहर इजाज की जानिब से ब्रिगेडियर रिटायर्ड मजहरुल हसन और स्टेट लाइफ के गजनफर इकबाल ने दस्तखत किए। कर्नल रिटायर्ड मुबीन मलिक काशिफ शराफत भी मौजूद थे। स्टेट लाइफ फेज 2 की डेवलपमेंट करेगा। 6,750 खानदानों को मालिकाना हकूक मिलेंगे। बसारत से महरूम अफराद के लिए स्पेशल अलाउंस की तैयारी। महकमे खसूसी तालीम 6,30,00,000 खर्च करेगा। ब्लाइंड असातिज़ा की अपग्रेडेशन पर 6,50,00,000 इजाफी लगेंगे। समरी मंजूरी के लिए वजीर आला पंजाब को इरसाल। नाबीना अफराद का खसूसी अलाउंस 2,000 से 10,000 हो जाएगा। बेदिया रोड अंडरपास मंसूबे में पेशरफ। मंसूबा रवां माली साल में शामिल करने का फैसला। LDA ने हुकूमत से 1 अरब रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट मांगी। बेरोजगार नौजवानों के लिए खुशखबरी। 16,000 असातिज़ा की भर्तियों की समरी मंजूर। 11,000 से जायद नॉन टीचिंग स्टाफ भर्ती होगा। स्कूल एजुकेशन ने समरी दस्तखत के बाद वजीर आला को भिजवा दी। उम्मीदवारों का टाइपिंग टेस्ट और इंटरव्यू होगा। टोयोटा और सुजुकी के बाद हुंडा कंपनी ने भी गाड़ियों की कीमत में कमी कर दी। हुंडा सिटी 2,80,000 रुपये सस्ती। दूसरी जाने मोटरसाइकिल कंपनीज ने अपने दाम कम नहीं किए। यामाहा, हुंडा और चीनी साख्ता मोटरसाइकिल इंतहाई महंगे हो चुके हैं। कैंसर के मरीज जिंदगी के लिए तड़पने लगे। सरकारी अस्पतालों में इलाज मुआवजा बंद। मरीजों के लिए 2 टेस्ट जमा, मार्केट से भी गायब। कैंसर के 5,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड मरीज इलाज के लिए दरबदर। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ खामोश तमाशाई बन गई। बैंकों का रुकूम वापस करने से इनकार। सरकारी हज स्कीम के हुज्जाज को सपोर्ट फंड की अदायगियां रुक गईं। हुकूमत ने 1.5 लाख रुपए फीकस वापसी का ऐलान किया था। वजारत मजहबी उमूर का नोटिस। हुज्जाज को तरजीही बुनियादों पर रुकूम की अदायगी का हुक्म।
सरकारी स्कूलों के असातिज़ा और मुलाज़मीन 5 माह से स्पेशल अलाउंस से महरूम। जुलाई में हेड ऑफ अकाउंट ना होने से अदायगी ना हुई। 12 अगस्त को लिखे गए लेटर का जवाब ना मिला। एजी ऑफिस ने अदायगी के लिए नई वजाहत मांग ली। लाहौर एयरपोर्ट के इमिग्रेशन काउंटर पर मुसाफिरों के रश का तोड़। डोमेस्टिक डिपार्चर लाउंज रात 10 बजे से 5 बजे तक इंटरनेशनल लाउंज डिक्लेयर कर दिया गया। एफआईए ने काउंटर लगा दिए। इमिग्रेशन का आईबीएमएस सिस्टम भी इंस्टॉल कर दिया गया। वासा में तकर्रो तबादले। अतीकुर रहमान एक्सियन गंजबख्श टाउन 2 वासा तैनात हुए। काशिफ रसूल एक्सियन इकबाल टाउन 2। जुहेब अहमद एक्सियन अलामा इकबाल टाउन 1 मुकर्रर हुए। अली हैदर को एक्सियन निश्तर टाउन। इमरान फारूक को एसटीओ फतेहगढ़ का चार्ज मिल गया। किचन में हशरात की भरमार। सफाई के नाकिस इंतजामात। ममनुआ नॉन फूड ग्रेड बर्तनों का इस्तेमाल। फूड अथॉरिटी ने जोहटौर में मारूफ रेस्टोरान ईस्टर्न ओवन की प्रोडक्शन बंद कर दी। बरसों से एक ही थाने में विराजमान अफसरान की फहरिस्तें तलब। आईजी पंजाब ने 2014 में तरक्की पाने वाले एसआई और एएसआई की फहरिस्तें भी मांग ली। सब इंस्पेक्टर्स और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स का रिकॉर्ड 3 रोज में भिजवाने का हुक्म। एफआईए साइबर क्राइम विंग की कार्रवाई। ऑनलाइन फ्रॉड के 4 मुलजिम गिरफ्तार हुए। पकड़े जाने वालों में 2 नाइजेरियन बाशिंदे भी शामिल हैं। मुलजिमान शहरियों को तहाइफ का लालच देकर लूटते थे। ज़िमनी इलेक्शन के दौरान हंगामा आरई तोड़फोड़ का केस। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जमशेद इकबाल चीमा सेशन अदालत में पेश। पर्चा खारिज होने पर अबूरी दरख्वास्तें जमानत वापस ले ली। अदालत ने दरख्वास्त निपटा ली। सेशन कोर्ट से पंखे चोरी करने वाला मुलजिम मोहम्मद आसिफ गिरफ्तार। मुलजिम को सिक्योरिटी स्टाफ ने पंखों समेत हिरासत में ले लिया। वकला के चैम्बर से चोरी शुदा पंखों के स्पेयर पार्ट्स भी बरामद। सिक्योरिटी स्टाफ ने मुलजिम को इस्लामपुरा पुलिस के हवाले कर दिया। जिला कचहरी के बख्शी खाने से डाकू फरार। मुबशर नामी मुलजम को जेल वैन पर जिला कचहरी पेशी पर लाया गया था। मुलजम मुबशर अली बख्शी खाने का दरवाजा तोड़कर फरार हुआ। डाकू मुबशर पर सब्जाजार में 392 का मुकदमा दर्ज है। इंस्पेक्टर मलिक खालिद ने लोअर माल पुलिस को इतला कर दी। एसपी हेडक्वार्टर्स मोहम्मद अब्दुल्ला लक्का डीएसपी जुडिशियल को इंक्वायरी का हुक्म। गफलत के मुर्तकब अहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। गाड़ी का इंजन नाकिस लगाने का केस। ऐसे इंटरप्राइजर शॉप बिलालगंज के खिलाफ डिग्री जारी करने का हुक्म। दरख्वास्त गुजार को 3,40,000 रुपये फौरी अदा करने का हुक्म दिया गया। कंपनी को दरख्वास्त गुजार को 20,000 रुपये हर जाना भी अदा करने का हुक्म। मुस्लिम लीग नून लाहौर का तंजीमी ढांचा गैर फ़ाल। लाहौर की क्यादत किसको दें। पार्टी कायदीन शशो पंच का शिकार। तंजीमी ढांचा गैर फ़ाल होने से सियासी सरगर्मियां रुक गईं। लाहौर की क्यादत ना होने के बायस कारकुन भी गैर फ़ाल। गुज़श्ता 1 साल से तंजीमी ओहदेदारों का इजलास तक मुनक़द ना हो सका। मुस्लिम लीग नून NA 127 बागवानपुरा ऑफिस में इजलास। MNA अली परवेज मलिक ने इजलास की सदारत की। MPA ख्वाजा इमरान नजीर MPA चौधरी शहबाज अहमद की शिरकत। मंजूर भट्ट मलिक शफीक सादत अली मास्टर फयाज और दीगर की शिरकत। लीगी अराकीन असेंबली का हल्के के मसाइल के हल पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर पंजाब से चेयरमैन पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन शाहिद मुनीर की मुलाकात। सेक्रेटरी हायर एजुकेशन नजफ इकबाल भी मुलाकात में मौजूद थे। मुलाकात में आला तालीम के फरूग के हवाले से गुफ्तगू। अहम फैसले। नया चार्टर अप्लाई करने वाली यूनिवर्सिटीज के केसेस पर जल्द फैसला करने की हदायत। महकमा जेल खाना जात पंजाब और पंजाब बैंक के माबैन मुआहदा तय। IG जेल मिर्जा शाहिद सलीम और पंजाब बैंक के सदर जफर मसूद ने दस्तखत किए। कैदियों के पुरसा पैसे जेल में जमा करवाने की बजाय बैंक में जमा करवाएंगे। कैदी बायोमेट्रिक तस्दीक के बाद पैसे इस्तेमाल कर सकेंगे।
DIG محبوب اسلم کی آئل ٹینکرز ایسوسیشن ٹرانسپورٹر سے میٹنگ. DIG تمام ٹرانسپورٹ کمپنیوں کو چیکر لگانے کی ہدایت. لگاتار 15 وائلیشن پر ڈرائیور کے خلاف مقدمہ درج ہوگا. تمام ڈرائیورز کا ڈیٹا مرتب کر لیا گیا ہے. لاہور بورڈ کا پیپر مارکنگ کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے مشاورتی اجلاس. صدارت چیئرمین لاہور بورڈ پروفیسر مرزا حبیب نے کی. لاہور کے تمام سکول اور کالجز کے پرنسپلز نے اجلاس میں شرکت کی. مارکنگ سینٹرز کے ماحول کو بہتر بنانے کی ہدایت جاری کی گئی. ارجنٹائن کے سفیر کا لاہور کا دورہ. سفیر نے پاسکو شاپر کانجران سلاٹر ہاؤس کا دورہ کیا. پاکستان اور ارجنٹائن میں تجارتی روابط ہیں اور مزید مستحکم کریں گے. ارجنٹائن سفیر کاظم بولے ارجنٹینا پاکستان کو زرعی آلات اور سلاٹر ہاؤس کے آلات مہیا کرے گا. ایپسٹ کے زیر اہتمام ایکسپو سینٹر میں ایجوکیشنل ایکسپو 2022 کا انعقاد ہوا. یونیورسٹی طالبات نے 100 سے زائد منفرد کاروبار کے آئیڈیاز پیش کیے. طالبات نے سولر کارز، الیکٹرک موٹر سائیکل جیسے آئیڈیاز پیش کیے. ڈائریکٹر سپیریئر یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر سمیرہ رحمان نے ایپسٹ پروگرام کو سراہا. UMT میں دو روزہ فیشن اینڈ ڈیزائننگ تھیسس نمائش 2022 کا انعقاد. نمائش کا اہتمام اسکول آف ڈیزائن اینڈ ٹیکسٹائل کے زیر اہتمام کیا گیا. نمائش کا افتتاح ریکٹر UMT ڈاکٹر آصف رضا نے کیا. طلباء نے کپڑوں، جوتوں، بیگز، جیولری اور دیگر اسیسریز کی منفرد تخلیق کے ماڈلز بھی پیش کیے. قومی تاجر اتحاد پاکستان کے صدر ملک خالد محمود کی آج سالگرہ. تاجر برادری دوست احباب کی جانب سے مبارکباد کے پیغامات. اور PCB کا ڈومیسٹک کرکٹ سیزن کے لیے ٹیموں کی تشکیل پر کام کا آغاز. کوچز کھلاڑیوں کی کارکردگی کا جائزہ لے کر ٹیموں کو فائنل کریں گے. ملک بھر میں ڈویژنل ٹورنامنٹس کے فائنل کل سے شروع ہوں گے. 70% کھلاڑی گزشتہ سیزن سے برقرار رہیں گے.